परिवार की ओर से हम सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हर सप्ताह की पूरे सप्ताह की साप्ताहिक घटनाएं हर संडे को आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। चूंकि जीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट समसामयिकी से संबंधित होता है, जिसकी हम लोग सामान्यतः अनदेखी करते चलते हैं, और लास्ट मोमेंट में आकर जब परीक्षा सर पर होता है तो वार्षिकांक और अर्धवार्षिकांक हम लोग ढूंढने चलते हैं, जबकि समसामयिकी एक दैनिक दिनचर्या जैसा है। ये कोई बहुत कंसेप्चुअल चीज़ नहीं होता है, बस आपकी रेगुलरिटी को मांगता है ये। यानी प्रतिदिन अगर आप समसामयिकी अपना तैयार करते रहें तो एग्जाम के समय आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है, यानी कम प्रयास में या कम मेहनत में आपको अच्छा रिटर्न देता है। खासतौर से सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशंस के लिए ये पोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, चाहे समसामयिकी से संबंधित खेल पुरस्कार वगैरह आदि की बात करें, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। इसलिए हम लोगों ने आज से हर संडे को एक वीडियो क्लिप आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें पिछले सप्ताह की सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का सार होगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पर अपने एक्सपर्ट्स की राय भी आपके सामने रखेंगे। घटनाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, किसी भी घटना का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है यानी उसके पक्ष में, और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं यानी उसके विपक्ष में भी हम बात करेंगे, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना हो उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्व होता है और किसी देश के राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है। इसलिए हर घटना के साथ उसका प्रॉस और कांस या पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा रहता है। तो आज से हम रेगुलर आपके लिए संडे को एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कभी कभी समस्या ये होती है कि पेपर या अखबार जब हम लेते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा पेज पढ़ें, कोई लास्ट पेज पढ़ता है, कोई फर्स्ट पेज पढ़ता है। तो ये ध्यान रखें कि 18 या 20 पेज का जो पेपर आता है, चाय की दुकान वाला भी वही पढ़ता है और एक ऑफिसर या बौद्धिक वर्ग भी वही पढ़ता है, बस पेज नंबर का अंतर होता है। तो नए बच्चे को समझने में यह बहुत समय लग जाता है कि कौन सा पेज हमारे लिए परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है और कौन सा पेज हमारे लिए अनुपयोगी है। तो हमारा जो वीडियो जाएगा उससे आपको पिछले सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और आगे आप उन घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहेंगे और उनको आप कलेक्ट करते रहेंगे। तो आज से हम लोग यह श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और ये पहला वीडियो जा रहा है करंट अफेयर्स रिव्यू के नाम से। तो हम आज की और इस सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं पर बात करते हैं। इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा, जिसमें वो यूएनओ के सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए। 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक की यह एक लंबी यात्रा रही और इसमें मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसमें सबसे चर्चित कार्यक्रम रहा हाउडी मोदी। हाउडी का मतलब होता है हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे हैं। यह कार्यक्रम यूनाइटेड स्टेट्स के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन शहर में आयोजित किया गया। स्टेडियम का नाम था NRG स्टेडियम। इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 75,000 दर्शकों के बैठने की है, लेकिन 1,00,000 से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था और ज़्यादातर भारतवंशी थे इसमें, और लगभग 50,000 लोगों के सामने हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। और वहाँ पर यह पहली बार हुआ कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति किसी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करें। तो कार्यक्रम तो अमेरिका में हो रहा था, लेकिन एक तरह से इसकी मेजबानी भारत कर रहा था और भारतवंशियों की वहां पर संख्या 5,00,000 से ज्यादा है। प्रधानमंत्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप भी उपस्थित थे और उन्होंने अपने संबोधन में हमारे प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ किया और उनको कहा कि यह देश के विकास के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो हाउडी मोदी आप कह सकते हैं कि एक अद्भुत अकल्पनीय और अद्वितीय घटना थी, जिसमें अमेरिका के
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ थामकर मंच पर पहुंचे। मोदी के स्वागत संबोधन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब मंच संभाला तो भारत अमेरिका संबंधों की गर्माहट उनके भाषण में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि इस्लामिक आतंकवाद एक बड़ा खतरा है, भारत अमेरिका मिलकर इसका सामना करेंगे, दोनों देशों की अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी मुलाकात की और उनके साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अवसर पर अलग से साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेव से भी भेंट की। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति के लिए भारत की ऐतिहासिक विरासत गिनाते हुए आतंकवाद के खतरों के प्रति आगाह किया। उन्होंने भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की चर्चा करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया में शांति का संदेश दिया है। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को हिंदी में संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व का एकजुट होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए शांति और सौहार्द ही एकमात्र संदेश है। उन्होंने कहा, हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, यानी शांति का संदेश दिया है। जलवायु संकट की चुनौतियों और पर्यावरण के मुद्दों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले 5 साल में भारत जल संरक्षण के साथ 15 करोड़ परिवारों को पाइप के जरिए पेयजल आपूर्ति से जोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि 2025 तक हम भारत को टीबी से मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की दृष्टि से देखें तो वैश्विक तापमान को बढ़ाने में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है। पीएम ने आयुष्मान भारत योजना की भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवार्ड 1919 से सम्मानित करने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को धन्यवाद किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत ने स्वच्छता में सुधार लाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं जो गांधी जी के एक स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूर्ण करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यात्रा से भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया मोड़ आने वाला है और इससे भारत और अमेरिका की सामरिक जरूरतें एक साथ महसूस की जा रही हैं। भारतीय मूल के लोगों का इससे दबदबा बढ़ा है। भारत आर्थिक महाशक्ति है, यह अमेरिका ने माना, और ये सब कुछ टीम मोदी की कड़ी मेहनत की जीत है। अब हम इस सदी के महानायक और सीने जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन की बात करने जा रहे हैं, जिनको फिल्म दुनिया में एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में श्री अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उनको सिनेमा में उनके अतुल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है और यह घोषणा 24 सितंबर को की गई है। भारतीय सिनेमा के जनक घुंडी राज गोविंद फाल्के के नाम पर यह पुरस्कार 1969 से प्रारंभ हुआ। भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 को अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। वर्ष 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार हिंदी फिल्मों के अभिनेता विनोद खन्ना जी को मिला। अमिताभ बच्चन के साथ साथ यह पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर,
दुर्गा खोटे, सत्यजीत रे, वी शांताराम, राज कपूर, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, कवि प्रदीप, आशा भोसले आदि फिल्मी हस्तियों को भी मिल चुका है। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार ऐसे वर्ष मिल रहा है जब वह अभिनेता के तौर पर 50 साल पूरे कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में हिंदी के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के परिवार में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने मृणाल सेन की भुवन सोम में वॉइस ओवर कलाकार के तौर पर सिनेमा जगत में अपनी यात्रा शुरू की और सात हिंदुस्तानी से बतौर अभिनेता पदार्पण किया, लेकिन अधिकतर फिल्में उनकी फ्लॉप होती रहीं और लगभग एक दर्जन फिल्में फ्लॉप होने के बाद प्रकाश मेहरा की एक्शन फिल्म जंजीर से फिल्म उद्योग में उनको सफलता की नई इबारत लिखने का अवसर मिला। वह छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति शो लेकर आए और इस कार्यक्रम को दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई और आज भी वह इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। वैसे तो बच्चन साहब ने अपने फिल्मी कैरियर में सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण फिल्में कुली, शोले, दीवार, डान, अग्निपथ, सूर्यवंशम, सिलसिला आदि दर्शकों के मध्य अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहीं। बाद के दिनों में बच्चन ने अपनी उम्र के हिसाब से मेल खाने वाली फिल्में करनी शुरू की। आँखें, बागबान, खाकी, सरकार और सरकार राज, यह सब इसी तरह की कुछ फिल्में थीं। ब्लैक, पा और पीकू के लिए बच्चन साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1984 में उन्हें पद्मश्री से, 2001 में पद्म भूषण से और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आज 28 सितंबर एक बहुत मशहूर हस्ती का जन्मदिन है और इसलिए हम उनको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और आगे उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। नाम है पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, इनको सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल में मिला और इनका एक गाना बहुत चर्चित हुआ, आएगा आने वाला। लता मंगेशकर ने अभी तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गीत गाए हैं और इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार 6 बार, राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार, पद्म भूषण, 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में हुआ इनका, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 93 फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब हम इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्तियों पर बात करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस के इस अवसर पर पिछले 27 सितंबर को सऊदी अरब ने पर्यटकों के लिए पहली बार ऑनलाइन वीजा की प्रणाली शुरू की है। विश्व पर्यटन दिवस 2019 की मेजबानी भारत कर रहा है। पूर्व भारतीय महिला धाविका पीटी उषा को 24 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ IAAF के वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2018 के सम्मानों की घोषणा शुक्रवार को की गई। 5,00,000 राशि वाले सबसे अहम पुरस्कार भारत भारती सम्मान से पटना की साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय 2020 मैच खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय शेफाली वर्मा बन गई हैं। यह उपलब्धि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 22 सितंबर 2019 को 15 वर्ष और 239 दिन की उम्र में हासिल की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार
मोबाइल रूप के सहारे आंकड़े जनगणना के आंकड़े 2021 में जुटाए जाएंगे। अर्थात गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होगी। शाह ने कहा कि इससे विकास योजना बनाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम है साइन लैंग्वेज राइट्स फॉर ऑल। हरियाणा और महाराष्ट्र की राज्य विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2019 कराने का कार्यक्रम 21 सितंबर 2019 को घोषित किया गया। दोनों ही राज्यों में मतदान एक ही चरण में 21 अक्टूबर 2019 को आयोजित किया जाएगा। तो ये पूरे सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, और आगे अगले सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ और उनके सटीक विश्लेषण के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे अगले संडे को।